नमस्कार, मी अनिल जाधव, अॅग्रोनच्या मार्केट कट्टामध्ये आपलं स्वागत. आता हंगाम सुरू होऊन जवळपास आपले 3 महिने होत आले, तरी पण शेतकऱ्यांना अपेक्षेप्रमाणे भाव मिळत नाहीये. दुसरीकडे कापसाचं उत्पादन यंदा मोठ्या प्रमाणात घटलंय असं शेतकरी आणि आता उद्योगांच्या संस्थांनी सुद्धा मान्य केलंय. पण असं असताना सुद्धा 3 महिने झाले तरी शेतकऱ्यांना अपेक्षित भाव मिळत नाही, आजही हमी भाव किंवा हमी भावापेक्षा कमी भाव आहेत. तर मग नेमकी ही परिस्थिती यंदा का आली? नेमकं उत्पादन घटलेलं असताना सुद्धा भाव दबावात का आहेत? तसंच आता नवीन वर्षामध्ये कापसाचा एकूणच बाजार कसा राहू शकतो आणि शेतकऱ्यांनी नेमकं येणाऱ्या काळामध्ये काय करावं, या सगळ्या प्रश्नांवर आज आपण चर्चा करणार आहोत. आणि आपल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी आज आपल्या सोबत आहेत कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष महेश शारदा सर. सर, आपका स्वागत है अॅग्रोन में. सर, मेरा सभी भाइयों को नमस्कार जी. अभी सर, अभी ये तो अभी 2023 तो चला गया, मतलब 2023 का अगर हम लोग बात करें तो शुरुआती कुछ महीनों में तो रेट अच्छे मिले थे, लेकिन बाद में लगभग मई से कॉटन मार्केट डाउन ही है. तो अभी हम फार्मर लोगों का जो पूरा इकोनॉमिक है कॉटन की खेती का, वो पूरा बिगड़ चुका है. तो हम लोग 2024 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी जो डिमांड है या फिर ये जो बताया जा रहा है, तो उसके बारे में हम लोग 2024 में कुछ पॉजिटिव हम लोगों को देखने मिल सकता है? तो मेरा ये कहने का मतलब, मैं ये कहना चाहूंगा कि कपास की फसल कम है, सिर्फ यहाँ ही नहीं, बाकी चाइना में भी तकलीफ है. तो कपास की कुछ वजह से, एकदम से भाव बढ़ने की वजह से लोगों ने अपना जो कपड़ा बनाने का रॉ मटेरियल है वो कुछ और थोड़ा प्लास्टिक फाइबर्स में शिफ्ट हो गए हैं, या और कंपीटिंग फाइबर्स में शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि अचानक जब कॉटन पहुंच नहीं पाया या भाव तेज हो गए तो उनको कपड़े का भाव एक मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि शोरूम में बार बार भाव चेंज नहीं कर सकते. तो कुछ तो डिमांड उसने खा ली है. बट मेरा विश्वास है कि भाव में थोड़ा सुधार देखा जा सकता है, पर किसान को ज़्यादा लालच नहीं करके अपने माल को थोड़ा थोड़ा बेचते रहना चाहिए, और थोड़ा बहुत अगर वो होल्ड करना चाहे 30% 25% तो वो होल्ड करके 2 महीने ठहर के भी बेच सकता है. और जो भी व्यापार में, जो भी कॉटन के कपास की डिमांड में सुधार है, मेरे को लग रहा है कि 1 महीने के बाद से सुधार कुछ होना चाहिए. पिछले साल आपने जो व्यूज बताए थे, मार्केट बराबर उसी हिसाब से चल रहा था. तो अभी हम लोगों के मतलब दिक्कत या कंफ्यूजन यही है कि इस साल तो प्रोडक्शन कम है, उसके बावजूद भी पिछले साल के तुलना में हमें जो रेट मिल रहा है वो बहुत कम है, एमएसपी के नीचे भी कई बार मार्केट में हम लोगों को रेट मिल रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये कंडीशन मार्केट में क्यों दिख रही है? मैं सब भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि पिछले साल जो भाव थे वो एक अद्भुत भाव थे, ऐसे हर साल ये भाव रहते नहीं है, क्योंकि कोविड के कारण जो कपास का जो सप्लाई था वो बाधित हो गया था, और उस वजह से अचानक भाव बढ़ गए, और उसको उस जो सामान को पहुंचने में 1 महीना लगता था वो 2-2 महीने में माल पहुंच रहा था. तो सब लोगों ने ज़्यादा कपास खरीदनी चाहिए, ज़्यादा ऑर्डर दिए, इस कारण से भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. पर दुविधा ये है कि भाई इस बारी काफ़ी जगह पर बारिश पड़ने से कपास की क्वालिटी ख़राब हो गई है, इसलिए वो एमएसपी के आसपास भी भाव हमें मिल नहीं पा रहे, इसलिए हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है. जी सर, अभी सर हम लोग अगर डिमांड के बारे में बात करें तो मतलब ये सीजन के शुरुआत से ही इंडस्ट्री के बिहाफ से मतलब उनके जो रिपोर्ट्स आए तो उतने अच्छे नहीं थे. मतलब हमारे गवर्नमेंट का जो एक्सपोर्ट का डेटा है तो उन्होंने गारमेंट एक्सपोर्ट 15% लो बताया है इस साल में. तो लगभग अगर हम लोग देखें कि हमारा जो गारमेंट है, हमारा कपड़ा है, या फिर हमारा ये टेक्सटाइल का जो ये स्पिनिंग मिल्स का जो प्रोडक्शन है, वो सब कौन से कंट्रीज में जाता है वर्ल्ड मार्केट में, और उसका अभी लगभग अभी फिलहाल उनका एक हालत क्या है? तो अनिल जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो, क्योंकि बाजार पूरे वर्ल्ड में थोड़ी अस्थिरता है, कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, प्लस यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है, उसमें इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है. तो जब इस तरीके की स्थिति आती है, और यूरोप में एनर्जी के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो जो आदमी का बजट है वो दूसरी चीजों में लगने लग जाता है. कपड़ा उसकी प्रायोरिटी नहीं है, प्राथमिकता उसकी बदल जाती है. तो कुछ
कुछ समय के लिए उसकी प्राथमिकता बदली हुई है। लोग ट्रैवलिंग में ज्यादा पैसा खर्च रहे हैं, लोग एनर्जी में पैसा ज्यादा खर्च रहे हैं, या लोगों का और चीजों में खर्चा बढ़ गया है, तो उन्होंने कपड़े की ओवरऑल डिमांड कम हो रही है। परंतु जी अगर ये अब दोनों युद्ध जो छिड़े हैं, ऐसा कोई और प्रॉब्लम नहीं आता, तो धीरे धीरे कपड़े की डिमांड बढ़ जाएगी। ये बात तो कपड़े की है। अब हमारी जो इंडिया की प्रोडक्शन है, वैसे तो मैक्सिमम प्रोडक्शन कॉटन पे 4 करोड़ गांठ की है, परंतु सारी मिलें चल नहीं पा रही क्योंकि डिमांड कमजोर है या पैरिटी कम थी। तो इस साल जो खपती है वो समझो भाई 25% कम होने की उम्मीद है, जो टोटल कैपेसिटी है, तो 3 करोड़ के करीब खपती होने की कम उम्मीद है, और जो पिछले साल से करीबन 10-15% कम है। जी पर उसके बावजूद भी कम या ज्यादा से फर्क डिमांड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जो भाव है वो डिमांड से बढ़ेंगे, जैसे ही कपड़े की डिमांड बढ़ेगी, सूती की डिमांड बढ़ेगी, तो अपने आप ही कपास का भी भाव बढ़ जाएगा। पर हमें एकदम माइंड में एक क्लियर रखना चाहिए कि जो पहले वाले वो 1 लाख रुपए वाले भाव थे, वो तो कभी आने ही नहीं है। हाँ जरूर है, जो जी अभी भाव चल रहे हैं उससे 10-15% का सुधार तो कभी भी हो सकता है, जब भी बाजार में थोड़ा आवाक कम होगा। अभी अगर हम जी देखें तो अभी हमारी फसल सिर्फ 1/3 फसल आई है, 2/3 आनी बाकी है। बिल्कुल तो और थोड़ा मध्यांतर पे जाके आप 15-20 दिन महीने में किसान फिर और अपना रुचि बना सकता है कि माल उसको तुरंत बेचना है या कैसे करना है, पर थोड़ा थोड़ा किस्तों में बेचेगा तो उसको फायदा ही होने वाला है। जी सर। सर अभी आपने डोमेस्टिक मार्केट का बताया, अभी अगर हम लोग वर्ल्ड का बैलेंस शीट देखें कॉटन का, तो प्रोडक्शन और डिमांड के भी आपसे अभी हर एक महीने में यूएसडीए हो या फिर और कोई इंटरनेशनल संस्थाएं हो, उन्होंने रिडक्शन ही किया है, कम कम किया है कि प्रोडक्शन को भी और डिमांड को भी। तो हम लोग क्या कर मतलब हम लोग एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि वर्ल्ड मार्केट का हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा या डोमेस्टिक मार्केट से हमको सपोर्ट मिल सकता है आगे चल के, जैसे पिछले साल मिला था। नहीं, आपको सपोर्ट तो अल्टीमेटली जब ग्लोबल डिमांड आएगा या डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी उससे ही मिलेगा। अभी तो जहां तक आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन में हम इंडिया में रुई इंपोर्ट करने पे 11% ड्यूटी है, तो रुई तो इंडिया में जी इंपोर्ट हो रही है। इतनी जी जल्दी हो नहीं सकती इतनी आसानी से, क्योंकि उसका पैरिटी नहीं बैठता। तो जी जी अगर अगर हमारी खपती बढ़ेगी तो अपने आप ही बाजार का भाव थोड़ा और सुधर जाएगा। जी सर। सर अभी इम्पोर्ट का अभी आपने जिक्र किया है, अगर हम लोग कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का फिलहाल जो रिपोर्ट आया उसको भी देखे, तो उसमें दर्शाया है कि हम लोगों को इस साल मतलब 22 लाख गांठ का इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हम लोग प्रेजेंट की सिचुएशन देखें तो हमारा कॉटन का जो रेट है वो अभी इंटरनेशनल मार्केट से कम चल रहा है, तो आगे चल के मतलब क्या है कि मार्केट हम लोग इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया का मार्केट बढ़ेगा या फिर इंटरनेशनल मार्केट डाउन होगा, क्या हो सकता है मतलब इतना इम्पोर्ट क्यों हो सकता है? मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना इम्पोर्ट वो बता रहे हैं भाई, उससे कुछ कम ही होने वाला है, और जितना एक्सपोर्ट होने वाला जी है उतना ही इम्पोर्ट होने वाला है, जो हमारी बैलेंस शीट के हिसाब से है। परंतु जी यहाँ मैं ये और कहना चाहूंगा कि कुछ कुछ कपा कुछ रुई तो हमारे हमेशा से इम्पोर्ट होती है, जो जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल है या कंटेमिनेशन फ्री कॉटन है, जो जो कस्टमर स्पेसिफिक कॉटन के जो डिमांड करते हैं करीबन 15 लाख गांठ, वो तो होनी होनी। परंतु जी मैं ये नहीं देखता कि जो नॉर्मल मीडियम ग्रेड कॉटन है कोई, वो इंडिया में ज्यादा इंपोर्ट होने वाली है। ओके लोगों ने अगर कोई सौदे करे हैं तो आप ये देखिए ना, कैरिंग कॉस्ट भी है। अगर आज मैं कॉटन लेता हूँ और उसको 5 महीने रखता हूँ, तो 5 महीने में उसका ब्याज और भाड़ा लग के 10-12% हो जाता है। तो कई बार लोग उस एवज में थोड़ा बहुत इम्पोर्ट कर लें, बट बहुत ज्यादा बड़ा इम्पोर्ट कोई बढ़ जाएगा उससे कोई हमारे किसान को अभी फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक ये ड्यूटी। जी सर। अभी सर अगर हम लोग अभी आपने जिक्र भी किया बीच में कि हम लोगों का जो प्रोडक्शन है वो मतलब 4 करोड़ लाख गांठ के आसपास पहुंच चुका था कुछ साल पहले, लेकिन अभी अगर हम लोग कुछ साल के बात करें तो हमारा प्रोडक्शन साल दर बर साल कम ही होता गया है।
तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारा जो पर एकर प्रोडक्टिविटी वो भी कम है, प्रोडक्शन भी कम आ रहा है, और पिछले कुछ सालों से हमारा जो इंडस्ट्री वो बहुत सारा डेवलप हो चुका है, मतलब हम लोगों की खपत भी बढ़ती जा रही है, तो इससे मतलब इंडस्ट्री को भी लॉस होता दिख रहा है और फार्मर्स को भी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है। तो ये स्थिति हमारे ऊपर क्यों आई है? तो जहां तक हम प्रोडक्शन की बात करें, हम सभी जानते हैं अभी पिछले 2-3 साल से अलग अलग प्रांतों में जो पिंक बॉलवर्म है उसके कारण काफी कहर है, उससे काफी नुकसान हो रहा है। जी फिर दूसरा, जो वेदर की डिस्टरबेंसेस हैं वो भी बढ़ रही हैं और आगे और बढ़ने वाली हैं, कोई घटने वाली नहीं है। जिस तरीके का इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, तो दोनों को चैलेंज देखते हुए हमें बेहतर बीज और बेहतर हमें मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, तभी ये क्रॉप बढ़ सकती है। जो जी इंडिया का टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप है, जिसके साथ सारी संस्थाएं, सारे अफसर लोग और मुख्य कपास से जुड़े हुए लोग जुड़े हुए हैं, अब उन्होंने एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम के हिसाब से उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स लगाए हैं, जिनका काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो सरकार का ये कहना है कि भाई ज्यादा पौधे लगा के जो जो पद्धति है उससे किसान की उपज बढ़ सकती है। दूसरा, आप जानते ही हैं कि भाई करीबन 70% एरिया तो हमारा रेनफेड ही है, तो जैसे ही उसकी जी डिस्टरबेंस होती है उस कारण से भी हमारी क्रॉप में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। पर मेरा खुद का ये मानना है कि जब हर चीज में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो किसान को बीज में भी टेक्नोलॉजी की पूरी छूट आनी चाहिए, जिससे हमारी देश की हर फसल की उपज बढ़ी बढ़ाई जा सकती है। आज के जमाने में बायोटेक्नोलॉजी का जमाना है, और उस जो सरकार ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड पे एक बड़ी रोक लगा रखी है, उसको खोलना चाहिए और उसका शोध होना जी चाहिए। अमेरिका, ब्राजील, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जो भी लीडिंग जिनकी उपज बहुत ज्यादा है, वो सारे जने ही इस पद्धति का यूज कर रहे हैं। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन थी, वैसे हमें बायोटेक्नोलॉजी सीड की रेवोल्यूशन से काफी फायदा हो सकता है, मेरा ऐसा सोचना। असर, अभी आपने बात की मतलब अमेरिका, ब्राजील या फिर ऑस्ट्रेलिया, उनका प्रोडक्टिविटी, तो हम किसान, हमारे किसान हर बार यही एक तुलना करते हैं कि मतलब हमारा जो प्रोडक्टिविटी है या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो उन कंट्री के हिसाब से हमारा प्रोडक्टिविटी तो कम है लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता जा रहा है पर क्विंटल के अगर हम लोग बात करें, तो आप ऐसा कुछ बता सकते हैं कि मतलब भाई नहीं, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया का जो पर हेक्टर जो या पर एकर जो प्रोडक्शन है और हमारा जो है, तो उसमें तो एक कितना डिफरेंस कितना आता है हम लोगों का? आप ये देखिए ना जी, कि जो हमारा एवरेज आ रहा है वो सारा ही 500 आ रहा है, जबकि जी बाकी कंट्रीज का जो लीडिंग कंट्रीज है उनका 2,000 किलो, आज ब्राजील का 2,000 किलो लिंट आ रहा है पर हेक्टेयर। 2,000 किलो लिंट के लिए ये ओके मतलब 6,000 किलो, मतलब 60 क्विंटल पर हेक्टेयर का उनका यील्ड है। अब आप ये जी देखिए पंजाब में जब हम यहाँ पर जो बढ़िया किसान है, महाराष्ट्र में भी कुछ अच्छे किसान हैं जो रेन फेड एरियाज हैं, तो वहां पर उनका आम यील्ड आ रहा है करीबन 30-30 क्विंटल तक वो पहुंच जाते हैं पर हेक्टेयर। तो वो इसीलिए पहुंच रहे हैं कि उनकी मैनेजमेंट बेटर है, पानी की अवेलेबिलिटी है। अब अगर हम इसको ब्राजील के साथ कंपेयर करें, तो ब्राजील में रेन फेड ही है जैसे इंडिया में रेन फेड है, बट उनके पास सीड क्वालिटी बेटर है, उनकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बेटर है। आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि 500 किलो पे सरकार को 7,500 रुपए का एमएसपी देना पड़ रहा है, अगर इसकी तीन जी गुना यील्ड हो जाएगी, भाई जिस किसान को 10 क्विंटल आ रहा है, अगर उसको 20 क्विंटल आने लगेगा तो एमएसपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडस्ट्री को भी फायदा होगा और किसान को भी फायदा होगा, दोनों तरफ से फायदा होगा। तो यील्ड बढ़ाने के लिए जो भी चीजें हैं वो हमें सरकार से अनुरोध करके उनको कराना ही चाहिए, जो ये सीड पे रिस्ट्रिक्शन है उसको हमें खुलवाना चाहिए, उससे फायदा होगा देश को। मैं यही कहना चाहूंगा, एक तो आप वैसे तो सारे साइंटिस्ट लगे ही हुए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया और चाइना में है वहां पर एक हेक्टेयर
1 लाख पौधे लगाते हैं। हमारे यहाँ पर पौधे की काफी कम है क्योंकि हम यहाँ हाइब्रिड बीजते हैं, तो जो हमारे प्रांत के वैराइटल सीड है जब उसमें बायोटेक्नोलॉजी सीड का उसमें शोध होगा उससे देश को बहुत फायदा हो सकता है। दूसरा जो हमारी मट्टी है उस पर खास ध्यान दें, किसान कोई क्रॉप रोटेशन करें या इंटरकल्चर जैसे अरहर के साथ कपास बीजते हैं उस तरीके की पद्धति करें या ड्रिप इरिगेशन करें, मतलब उनको थोड़ा तकनीक की तरफ पूरा ध्यान करना चाहिए, उससे किसान का नुकसान कम होगा और उसको फायदा ज्यादा होगा। जी सर, सर अभी लास्ट क्वेश्चन यही है कि ठीक है मतलब इस साल तो प्रोडक्शन घटा ही, एल नीनो या फिर कम बारिश ये सब कारण है उसके पीछे। अभी हम लोग मतलब फार्मर्स के पास अभी भी कॉटन है बहुत सारे, मतलब महाराष्ट्र गुजरात या फिर पंजाब हरियाणा भी हो सकता है, तो अभी फार्मर्स मतलब यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई हम लोगों को रेट आने वाले दिनों में हम लोग रुके या बेचे या फिर हमारा बेचने का जो टेक्निक हो कैसा होना चाहिए, तो यही क्वेश्चन पे आप फार्मर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? तो अनिल जी ऐसे है कि नॉर्थ में तो किसान रोक नहीं पा रहा क्योंकि उसमें कीड़ा लगा हुआ है, आप भी जानते हैं कीड़े लगने के बाद उसका वजन भी घटता रहता है और उसकी क्वालिटी भी खराब होती रहती है। तो ऐसा ही कई कई एरियाज में चाहिए महाराष्ट्र में जहां पर रेन टच है वो माल किसान रोक नहीं सकता, तो जो भी अच्छा माल है वो उसको थोड़ा बहुत वो रोक सकता है। बट मेरा हमेशा सुझाव यही है कि 25-30% से ज्यादा किसान को रोकना नहीं चाहिए, सारा माल नहीं रोकना चाहिए, वो ट्रेड पे छोड़ना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल और माल हो वो रोक सकता है, उसको महीने दो महीने तीन महीने के लिए रोके तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्च तक भी रोके तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्च के बाद थोड़ा थोड़ा अपना बेच ले, ये मेरा सुझाव रहेगा। और सर हम लोग मतलब आपने पहले तो बताया है लेकिन लास्ट में फिर एक बार बताइए कि हम लोगों को प्राइस में क्या आगे देखने पड़ सकता है, या अगर फार्मर्स को चाहिए कि भाई नहीं मुझे इससे बेटर प्राइस चाहिए तो उसको कितने महीने तक रुकना पड़ेगा, आपका एक अंदाजा क्या कहता है? नहीं जो भी होना है 2-3 महीने में ही हो जाएगा, सामने आ जाएगा, ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। पर आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि कोई बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा वैसी स्थिति नहीं है, जब 15-20% तेज हो तो उसको अपना माल बेच के और अपना घर पूरा करना चाहिए। जी सर, सर मैं एक मिनट कंक्लूड करता हूँ, आप तो आपल्या सोबत महेश सारदा सर होते, सरांनी आपल्याला पुढच्या काळामध्ये नेमकं कापसाच्या बाजार भावाचा जो आपला सगळ्यांचा प्रश्न होता की कापसाचा बाजार रेट वाढण्यासाठी आपल्याला किती दिवस वाट पाहावे लागू शकते, त्याचं सरांनी उत्तर दिलं की आपल्याला एक पुढच्या 1-2 महिन्यांमध्ये मार्केटमध्ये हे सगळं चित्र दिसू शकतं। आज आपल्याला सरांनी वेळ दिला, सर आपने हम लोगों को अपना किमती टाइम दिया और हमारे फार्मर्स के मन में जो क्वेश्चन थे विशेषतः कॉटन मार्केट के बारे में आपने उसका अच्छा सा सुझाव दिया फार्मर को, जवाब भी अच्छी तरीके से और आसान भाषा में दिए कि फार्मर्स को समझ सके। हम एग्रोवन की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते, आज हमने आपने टाइम दिया और हमारे क्वेश्चंस का जवाब दिया, इसलिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।